हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फेसबुक पर शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फेसबुक पर शॉर्ट वीडियो कैसे बना सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमरजीत। वीडियो देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब अपने फेसबुक पे है और हमें यहाँ पे अपने फेसबुक में शॉर्ट वीडियो बनाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि फेसबुक पर शॉर्ट वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने फेसबुक को ओपन किया हुआ है। तो चलिए हम इसे नीचे में स्क्रॉल करते हैं। नीचे में स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है शॉर्ट वीडियो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट वीडियो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ सी मोर। चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। सी मोर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि फेसबुक पर यहाँ पे शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। चलिए हम इसे नीचे में स्क्रॉल करते हैं। नीचे में स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है, बट हमें यहाँ पे अपना खुद की वीडियो बनाना है। खुद की वीडियो बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ क्रिएट का, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कैमरा ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऐड म्यूजिक। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा म्यूजिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सर्च म्यूजिक। यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना फेवरेट सॉन्ग को भी यहाँ से लगा सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे 15 अगस्त से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा सॉन्ग यहाँ पे आ रहा है, आप चाहे तो उसे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं किसी एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉन्ग को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है सॉन्ग। चलिए हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड हो चुका है म्यूजिक। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ रिकॉर्डिंग का, चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा शॉर्ट वीडियो यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद हम इसे स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद आप देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ नेक्स्ट का, चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहे तो इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं अपने गैलरी में। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो अपने वीडियो के ऊपर कुछ टेक्स्ट वगैरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या अपने वीडियो का कटिंग छटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ नेक्स्ट का, चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ राइट ए डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने वीडियो के बारे में यहाँ पे कुछ टाइप कीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ माई वीडियो। माई वीडियो टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हु कैन सी दिस, यहाँ पे बोल रहा है कि आप इस वीडियो को पब्लिक को दिखाना चाहते हैं या अपने सिर्फ फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को पूरे पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, इसे पब्लिक ही रहने देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ पोस्ट का, चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेरा वीडियो पोस्ट हो रहा है, और फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वीडियो पोस्ट हो चुका है। वीडियो बनने के बाद आप देख सकते हैं कि राइट साइड में ऊपर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफाइल का, चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वीडियो आ चुका है, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया है वो वीडियो यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माई वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरह से आप अपने फेसबुक पर शॉर्ट वीडियो को बना सकते हैं।